अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुबई से अमृतसर पहुंची स्पाइस जेट की फ्लाइट से एक संदिग्ध बैग के मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा एजेंसी, कस्टम विभाग और पंजाब पुलिस की फोर्स तुरंत एयरपोर्ट पहुंची और रनवे पर ही मुसाफिरों को उतारकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान बम स्क्वाड और अन्य सुरक्षा दस्ते भी पहुंचे और बैग को कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली गई। करीब चार घंटे तक चले इस अभियान के दौरान फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजरों के भी सामान की गहनता से छानबीन की गई। इन्फॉर्मेशन मिली है, बाकी सारे लोकल बॉडी सी ये सब, बाकी सारे सभी के कमेंट की ऑपरेशन चल रहे हैं, बाकी वेरिफिकेशन के बाद आपको बताएंगे। इनपुट क्या है सर? अनसस्पिशियस मटेरियल के बारे में मैसेज मिला है, अभी वेरिफिकेशन चल रही है। वेरिफिकेशन हो गया, कुछ मिला कि नहीं? वेरिफिकेशन चल रही है सर। महिला कहाँ से थी? दुबई से गई। अभी वेरिफिकेशन चल रही है, थोड़ा सा बता देना। नहीं, वो महिला दुबई में डिटेन की गई है अभी, बाकी वेरिफिकेशन के बाद आपको सारे बताएंगे। नहीं, पर महिला छोटी पुलिस आर्मी सब इस तरह साहब देख रहे, जरा सारे आतंकवादी होंगे ने, उन्होंने कुछ पता नहीं लगा, इतने बॉम्ब किया गया, अफवाह उड़ाई है, सारे ने परेशान किया है। साड़ी कोई चेकिंग नहीं की, खाली लोग तलाशी उधर करते पे। हाँ जी, साड़ी कोई तलाशी, सानू इतने परेशान किया। हाँ जी, पहला डेढ़ घंटा उतने धुप्पे खड़ा किया है रनवे से, बाद चो तीन साढ़े तीन घंटे हो गए एयरपोर्ट के अंदर खड़ा किया। सामने कोई रिस्पॉन्स दिता ही नहीं गा, कोई सामने फ्रंट जवाब देने ही नहीं। अमृतसर से जाट टीवी न्यूज के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।